एडिट के अंदर अब हम सीखने जा रहे हैं कॉपी टू और पेस्ट फॉर्म का यूज। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं और जबकि कुछ ऑप्शन आपको उभरे हुए या डार्क दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इन ऑप्शन का यूज अभी हमें नहीं है, मतलब इनकी आवश्यकता अभी हमें नहीं है। जब हमें इनकी आवश्यकता होगी ये टूल ऑटोमेटिकली उस समय खुल जाएंगे। या कहने का मतलब है इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब मैं किसी पिक्चर को सेलेक्ट कर लूँगा तो ये इनमें से काफ़ी सारे टूल ओपन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कॉपी टू का यूज़ करना है तो ये खुला हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं एक इमेज बना लेता हूँ, ये देखिए मैंने इमेज बनाई कोई भी, और इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए एड में जाके हमारा कॉपी टू का ऑप्शन खुल गया है। अब यहाँ पर कॉपी टू का यूज क्या है? कॉपी टू का मतलब है मान लीजिए कोई फाइल आपने अभी बनाई है और एक फाइल इससे पहले बनाई थी। मान लीजिए मेरी ट्रिपल टू नाम से एक पहले से बनी हुई फाइल है, मैं चाहता हूँ कि ट्रिपल टू नाम से जो फाइल बनी हुई सेव है वो हट जाए और ट्रिपल टू नाम की जगह पर जो अभी फाइल मैंने बनाई है वो उसकी जगह जाकर सेव हो जाए। तो मैं फाइल पर क्लिक करूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आप अपनी फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट। जैसे ही मैं यस करूँगा तो मेरी पुरानी फाइल हट जाएगी और जो मैंने अभी फाइल बनाई है वो उसकी जगह जाकर सेव हो जाएगी। अगर नो करूँगा तो वो नहीं होगी। देखिए पहले मैं यहाँ से यस करके बताता हूँ आपको, और अब हम ओपन में जाकर देखते हैं ट्रिपल टू की जगह हमारी क्या फाइल थी और अब क्या है वहाँ पर। देखिए हमारी जो फाइल थी ट्रिपल टू की जगह वो हट गई है और मेरी नई फाइल जाकर वहाँ पर सेव हो गई है। इस प्रकार से हम कॉपी टू के द्वारा पुरानी फाइल को हटाकर उसकी जगह अपनी नई बनाई गई फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं अगले ऑप्शन पेस्ट फ्रॉम का यूज। पेस्ट फ्रॉम और ओपन का यूज लगभग सेम रहता है। जिस प्रकार से हम ओपन का यूज किसी फाइल को खोलने के लिए करते हैं उसी प्रकार पेस्ट फ्रॉम का यूज भी हम फाइलों को ओपन करने के लिए करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है। जब मैं ओपन से फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ओपन से मैं फाइल ओपन करने जा रहा हूँ, मैं मान लीजिए इसमें से कोई भी एक फाइल लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको जो है थंबनेल कर लेता हूँ, मान लीजिए इस पिक्चर को मैं लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो देखिए ये पुरानी फाइल को हटाने के बारे में पूछ रहा है, जैसे ही मैं नो करूँगा तो मेरी नई फाइल जो है आ जाएगी। लेकिन ऐसा ही अगर मैं पेस्ट फॉर्म से फाइल ओपन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। पेस्ट फॉर्म से मैं फाइल करने जा रहा हूँ ओपन, यहाँ से मैं थंबनेल कर लेता हूँ इसको, इसको लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे पुरानी फाइल को हटाने के बारे में नहीं पूछा है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं ओपन से कोई फाइल ओपन करता हूँ तो पुरानी फाइल को हटा करके नई फाइल को ओपन कर सकता हूँ, जबकि अगर मैं वही काम पेस्ट फॉर्म से करता हूँ तो पुरानी फाइल को मुझे हटाने की आवश्यकता नहीं है और मैं नई फाइल भी ओपन कर सकता हूँ। यानी कि पुरानी फाइल के रहते हुए भी मैं अपनी कई सारी नई फाइलें जो है ओपन कर सकता हूँ, जबकि ओपन के द्वारा सिर्फ मैं एक ही फाइल को ओपन कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर पेस्ट फॉर्म का यूज़ समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, ओपन से सिर्फ हम एक बार में एक ही फाइल को खोल के रख सकते हैं, जबकि पेस्ट फॉर्म से हम एक बार में कई फाइलों को ओपन करते जाएंगे और वो हमें पुरानी फाइल को हटाने के बारे में नहीं बोलेगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन व्यू में। व्यू में टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेटस बार और टेक्स्ट बार का यूज़ आप देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। मैं पहले इसे कंट्रोल के साथ एन दबाकर न्यू पेज कर लेता हूँ, और देखिए मान लीजिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया देखिए फॉन्ट आ गया, मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कभी गलती से है नहीं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं लेकिन फॉर्मेट टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसके लिए व्यू में जाकर टेक्स्ट बार पर क्लिक करके इसे ला सकते हैं और बाकी लैंग्वेज चेंज करना चाहें यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर साई बढ़ाना चाहते हैं आप साई बढ़ा सकते हैं। देखिए बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटली करना चाहते हैं इटली करा सकते हैं, अंडरलाइन चाहते हैं अंडरलाइन चार लग कर सकते हैं, तो हम इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको खींच के रखेंगे तब यह फंड्स टूल दिखाई देगा, जैसे मैं बाहर क्लिक कर दूंगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन देने जा रहे हैं हम लोग जूम का। देखिए इसमें दो ऑप्शन है कस्टम और लार्ज, जैसे मैं लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारे फंड हैं वो लार्ज साइज में हमें दिखाई देंगे, ये देखिए बड़े साइज में हमें ये दिखाई दे रहे हैं। व्यू में जा करके हम फिर से जूम पर जाते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं ऐसे नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल हो गया। फिर से मैं जूम पे जाता हूँ कस्टम में, यहाँ पर आप अपने हिसाब से साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, 100 200 400 600 800 जो भी आप रखना चाहें, यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर से मैं व्यू में जाता हूँ जूम में जाता हूँ, देखिए 100 थंबनेल करता हूँ तो इसकी ओरिजिनल इमेज कैसी दिखाई देगी मुझे उसे हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर ओरिजिनल इमेज को हमें ये दिखाएगा, देखिए ओरिजिनल हमारी इमेज ऐसी दिखाई देगी और जबकि जूम करने पे ऐसी दिखाई देगी। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉर्मल साइज पे, फिर से क्लिक कर देखिए नॉर्मल साइज पे क्लिक इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि 100 ग्रिड हमें जो है दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ व्यू में जाता हूँ जूम, 100 ग्रिड अभी भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। अब मैं करता हूँ लार्ज पर, अब मैं देखता हूँ हमें 100 ग्रिड दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, देखिए दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं 100 ग्रिड पर क्लिक करूँगा एक जाली नुमा जाल हमें इस पर दिखाई देगा, इसके लिए हम 100 ग्रिड का यूज करते हैं। आप हटाना चाहते हैं जूम में जाएं 100 ग्रिड पर क्लिक कर दें, ये हट गया है। और लास्ट ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए मान लीजिए कोई इमेज बना के रखी हुई है, मैं सिर्फ इमेज को देखना चाहता हूँ बाकी किसी भी टूल को नहीं देखना चाहता, तो व्यू बिट मैप पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ मुझे इमेज दिखाई देगी जो मैंने बनाया वो दिखाई देगा और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे ही माउस को क्लिक करता हूँ फिर से सारे टूल्स वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जूम और व्यू बिटमैप का यूज कर